प्रशासन की मौजूदगी में शुक्रवार को करनाल के बस्ताना टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल के चलते यातायात का आवागमन सुचारू रहा। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के चलते करनाल के डीसी और एसपी सुबह से ही बस्ताना टोल प्लाजा पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इस बीच उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एक अपील जारी कर लोगों को, विशेषकर आसपास की जनता से, शांति और सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था और माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कई ग्रुप अलग अलग दिशाओं से यात्राएं कर रहे हैं। उनसे भी अपील है कि वे सामाजिक सौहार्द के लिए रास्तों में रुककर इस तरह का प्रदर्शन ना करें। बता दें कि टोल पर गाड़ियों की मूवमेंट जारी है, लेकिन टोल अभी शुरू नहीं किया गया है। उपायुक्त के अनुसार सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर किसानों को भी धरना व प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। वहीं पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे समाज में अराजकता फैले। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आम जन से भी अपील है कि यदि कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करता दिखे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जीटी रोड पर आवागमन के लिए पुलिस की ओर से समुचित इंतजाम किए गए हैं। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, इसलिए किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अफवाहें फैलाता है तो उस पर विश्वास ना करें। घरौंडा से विवेक राणा की रिपोर्ट। पहले 26 जनवरी से पहले धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो 26 जनवरी को जो हिंसा हुई दिल्ली में, उसके बाद यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनका कॉल आया था और उन्होंने सबने जो है यहाँ पे एक सामूहिक रूप से बयान भी दिया है कि यहाँ पे हम अब धरना चालू नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रदर्शन हिंसात्मक हो गया था दिल्ली में। तो प्रशासन ने जब ये देखा कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो धरना देने वाले लोग हैं और जो आसपास के गाँव के लोग हैं, इनमें आपस में टकराव की स्थिति बन सकती है, तो उससे निपटने के लिए, उसको टालने के लिए हमने 27 जनवरी सुबह से यहाँ पे जो धरना है इसकी परमिशन जो है वो विड्रॉ करते हुए इसको हटा लिया था। साथ ही हमने जितने भी सामाजिक और धार्मिक ग्रुप थे उनसे आग्रह किया था कि वो भी इस टकराव को रोकने के लिए यहाँ पे लंगर वगैरह ना लगाएं। और जितने भी हमारे धार्मिक और सामाजिक ग्रुप हैं, सबने प्रशासन की इसमें सहायता देते हुए और शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पे लंगर स्थगित करने का फैसला ले लिया था। तब से जो है यहाँ पे धरना और लंगर स्थगित हैं। आज सुबह से कोई कॉल आई थी प्रदर्शनकारियों की कि आज वो दोबारा से यहाँ धरना शुरू करेंगे, तो उसकी तैयारी के लिए हमने यहाँ पे समुचित मात्रा में हमारी करनाल पुलिस के जवान भी और SSB के जवान भी हमने यहाँ तैनात किए हैं। यहाँ पे सुबह से 8 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं और पूरी शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, ट्रैफिक भी स्मूथली चल रहा है। जो भी काफ़ी सारी मूवमेंट किसानों की है जो दिल्ली से पंजाब की साइड जा रहे हैं, तो हम उनको पीसफुल्ली जो है आगे भेज रहे हैं। और जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनसे मेरी आप लोगों के मीडिया के साथियों के थ्रू अपील रहेगी कि चूँकि यहाँ पर शांति भंग होने का अंदेशा है, इसलिए कोई भी यहाँ पर ना आए। प्रशासन की यहाँ पर पूरी सख्ती है, पूरी तैयारी है। अगर कोई भी प्रदर्शनकारी जानबूझ के शांति भंग करने की कोशिश करता है या गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है तो प्रशासन उससे बिल्कुल सख्ती से। लंगर तो शांति से चल रहा था और कैमला गांव के लोग भी यहां पर पहुंचे थे लंगर में सहयोग करने के लिए। अगर यहां पे दोबारा से कोई धरना शुरू करने की बात आती है तो हम उस पर, जैसे मैंने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि आसपास के गांव के लोगों में और प्रदर्शनकारियों में कोई टकराव की स्थिति ना बने, इसलिए हमने स्थगित किया है धरने का। अगर कोई इस तरह की बात जानबूझ करके फिर भी अगर कोई शांति व्यवस्था खराब करना चाहे तो हम उससे बिल्कुल, प्रशासन उससे बिल्कुल सख्ती से निपटेगा। कैमला गांव के लोग पहुंचे थे कल यहां जो ये धरने पर और साथ में जो लंगर लगाया गया था, उन्होंने कहा था कि लंगर लगना चाहिए यहां पर। कैमला गांव के लोग यहां पर बड़ी संख्या में 100 से 150 लोग पहुंचे थे, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें बिल्कुल कैमला से भी पहुंचे थे, बाकी आसपास के गाँव से भी, दोनों तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं और दोनों तरह की उन्होंने बातें कही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे धरना लगना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो धार्मिक और सामाजिक ग्रुप से उनसे बात हुई और चूंकि अब यहाँ पे कोई जमावड़ा ही नहीं है, कोई लोगों की गैदरिंग ही नहीं है, तो लंगर की भी आवश्यकता जो है उन्होंने खुद जो है सामाजिक और धार्मिक ग्रुप से उन्होंने माना कि उसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हमारे आग्रह पे उन्होंने अभी लंगर के लिए स्थगित किया है। जैसे ही व्यवस्था ठीक होती है, नॉर्मल होती है, तो दोबारा से प्रशासन उनसे बातचीत करके दोबारा से शुरू कर सकते। कल शांतिमय ढंग से लंगर चलता रहा सारा दिन, क्या कहना चाहेंगे?
लंगर पे कल शाम को लगाने के कुछ प्रयास हुए थे और उसमें जो प्रशासन की फीडबैक थी, जो इनपुट था, वो ये था कि उसको अननेसेसरी जो है शांति व्यवस्था खराब होंगी। कुछ लोगों की तो गैदरिंग की भी बातें आई थी, तो हमने सामाजिक संस्थाओं से बात की और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। सर, जो टोल टैक्स किया जा रहा है, ये टोल वसूला जाएगा अब आगे? अभी टोल हमने शुरू नहीं कराया है, कहीं पे भी टोल नहीं वसूला जा रहा। जो मूवमेंट है व्हीकल्स की और बाकी गाड़ियों की, ये पूरी पीसफुल है, सही है। तो सर, अक्सर देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहों भरे मैसेज, कुछ गलत मैसेज आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रशासन को कार्रवाई करने जा रहा है? अगर कोई डेलिबरेटली इस तरह की बातें करता है जिससे शांति भंग खराब हो, लोगों का सौहार्द खराब हो, तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। मैं बल्कि करनाल के सभी जो हमारे धार्मिक सामाजिक लीडर्स हैं, जो मौजूद लोग हैं, उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल वक्त है और उसमें अननेसेसरी किसी भी तरीके की अफवाह फैलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे में नाजुक स्थिति में समाज टकराव की तरफ बढ़ सकता है। तो अगर फिर भी अगर कोई जानबूझ के अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। तो आप सुन रहे थे जिला करनाल से बात करेंगे। हमारे साथ जिला प्रशासन के सभी यूपी मजिस्ट्रेट भी मौजूद है और साथ में वीडियोग्राफर भी मौजूद है। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे सामाजिक सौहार्द बना रहे, समाज में किसी प्रकार से अशांति ना हो। साथ ही हमारे मेरी आपके मीडिया के मार्फत ये भी अपील रहेगी कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे ऐसी अनगल टिप्पणी ना करे जिससे आपस में समाज में द्वेष या वैमनस्य पैदा होता हो। इस समय एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और साथ ही जितने प्रबुद्धजन हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से समझें, और ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासन और लोगों के आपसी सहयोग से समाज में भाईचारा कायम रह सके। सर, ये सीमा सुरक्षा बल जो बुलाया हुआ है, अभी और भी कंपनी आने की संभावना है? देखिए, अभी तक हमारी जिला पुलिस की और एसएसबी की दो कंपनियां मौजूद है। हमें लगता है कि अभी हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है जिससे हम कानून व्यवस्था की किसी भी स्थिति से निपट सकते हैं। साथ ही मुझे यह भी उम्मीद है कि जितने भी करनालवासी हैं वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे जिससे हमें आगे कोई इस प्रकार की असुविधा न आए। वाटर टैंक और टीयर गैस भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, क्या लगता है दोबारा से ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है? कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने भी साजो सामान है वो पुलिस को अपनी उसकी हालत में रखना पड़ता है, ताकि किसी प्रकार से यदि कहीं अशांति होती है या कोई कानून व्यवस्था भंग होने की हमारे पास सूचना प्राप्त होती है तो हम मौके पर पहुंच करके मौके के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.